देख सकते हो बिल्कुल जगह ही नहीं है। मेरा GoPro कभी भी वो चीज़ कैप्चर ही नहीं कर सकता जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। भाई यहाँ पे ना पानी काफ़ी तेज़ आ रहा है, तो हम जा रहे हैं फिलहाल केव की तरफ, झुक झुक के जाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम ऊपर चढ़ने वाले हैं भैया, उतरना कैसे? आराम से थोड़ा आराम से भाई। हाँ जी, एंजॉय करते हुए जाना, ठीक है? हाँ एंजॉय तो पूरा करेंगे, बस थोड़ा सा वो धक धक हो रहा है अपने को, डर लग रहा है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। यहाँ से हो रही है व्लॉग की शुरुआत। रोज आपको जिप्सी दिखा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो आज हमने सोचा क्यों ना आपको मनाली का एक योगिनी वाटरफॉल करके है, काफी ज्यादा फेमस है, तो वहाँ जाएंगे, थोड़ी बहुत ट्रैकिंग भी होगी। यहाँ ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, जैसे हमारे वहाँ घर अलग टाइप से बनते हैं, यहाँ थोड़ा अलग टाइप से बनते हैं। हाँ जी, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कहाँ लेके जा रहे हो आज? हमें पहले लेके चलेंगे योगिनी वाटरफॉल, उसके बाद आपको लेके चलेंगे अपने पुराने वाले घर पे जहाँ मैं पैदा हुआ। क्या बात, आज हमें कंपनी करने वाले हैं मिश्का और वास्को दोनों, ये भी आज हमारे साथ चलेंगे ट्रैकिंग। मजा आने वाला है। तो आज ना मनाली में मेरा छठा दिन है, जिप्सी को छोड़ के जो हम निकले हैं वो आज पहली बार ही निकले हैं, और मिश्का हमारा साथ देते हुए। ये जो आपको टेंपल दिख रहा है ये वशिष्ठ टेंपल है, फिलहाल तो हम ऊपर वाली साइड जा रहे हैं, तो इधर बाद में आऊंगा। घर है कि टेंपल है, शायद मंदिर का वो रखते हैं, ओके ओके ओके। डिजाइन काफी अच्छा है, पुराना घर है ना, अश्विन भी ने बताया था, वो यहाँ ऊपर है, बट वहाँ आते समय जाएंगे। यहाँ पे ना आपको जिपलाइन पता नहीं दिख रही है नहीं दिख रही, यहाँ से लेके सीधा उधर पार तक। अच्छा वहाँ से यहाँ को है, इस साइड यहाँ से ऊपर को है ना, इससे उस साइड। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। दोनों 200-200 मीटर। शांत है, व्यू अच्छा है, बस थोड़ा सा चलना पड़ता है, ये एक दिक्कत है। अगर किसी खूबसूरत जगह पे जाना है तो चलना तो पड़ेगा ही। गंदगी फैलाने वालों दोबारा यहाँ ना आना, सही वार्निंग लगी मुझे, गंदगी फैलाने वालों दोबारा यहाँ ना आना। बढ़िया है, पहुंच चुके हैं योगिनी वाटरफॉल। लाइटिंग का इशू आ रहा होगा, आपको दिख नहीं रहा होगा, वहाँ पे वाटरफॉल है, तो वहाँ भी चलेंगे, व्यू अच्छे से ही दिखाएंगे, तो ही मजा आएगा आपको भी और मुझे भी। दो रास्ते जाते हैं, इस साइड से भी आप ऊपर वहाँ जा सकते हो और एक इस साइड से भी आप ऊपर वहाँ जा सकते हो, लेकिन ये वाला ज्यादा स्टीप है, तो यहाँ से जाएंगे, थोड़ा टफ है, ध्यान से चलना पड़ेगा। अगर कोई इस साइड आता है ना घूमने के लिए, प्लीज ये चीजें मत किया। हाँ ये चीज बहुत ज्यादा गलत है, रास्ता बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, क्या कहने। अच्छा है की वो स्कोर मिश्का भी है, थोड़ा सा वो भी मनोरंजन चल रहा है साथ साथ में। चढ़ाई तो कुछ ज्यादा ही है, काफी टाइम से चला नहीं है इतना, और फिर अचानक से इतनी चढ़ाई चढ़नी पड़े तो दिक्कत होती है। ओहो नन्ना वगैरह है कुछ, खतरनाक फाइट हो गई थी अभी, लग गई प्यास। रिस्की भी है, बिल्कुल खाई जैसी है, छोटा ही रास्ता है, ध्यान से चलना पड़ेगा आपको काफी। ओ भाई देख सकते हो बिल्कुल जगह ही नहीं है। एंड फाइनली पहुंच चुके हैं योगिनी वाटरफॉल्स, काफी सही व्यू है, मेरा GoPro कभी भी वो चीज कैप्चर ही नहीं कर सकता जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। और यहाँ ना पानी सामने से सीधा सीधा आ रहा है, मतलब गीले हो जाओगे अगर आप। भाई यहाँ पे ना पानी काफी तेज आ रहा है। अभी मैंने तरुण भाई को दिया हुआ था टास्क ये था कि इनको इस पत्थर पे चढ़ना था, बट फेल हो चुके हैं। नहीं फेल नहीं, मतलब मैं पहले देख रहा हूँ कि चढ़ पाएंगे नहीं चढ़ पाएंगे, हड्डी पसली नहीं टूटनी चाहिए ना। हाँ गिर गया तो फिर ट्राई मार लो, टास्क है, हार मान के बोलो। नहीं हार कहाँ से मानूंगा, मेरे को ना चढ़ने में दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि अगर मैं गिर गिर गया तो टांग वांग टूट गई तो फिर सारा काम रुक जाएगा। मैं चढ़ के दिखाता हूँ। अच्छा भैया ये इसलिए चढ़ गए क्योंकि इनको एक्सपीरियंस है। तो एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, जैसे आप सामने वहां देख रहे हैं ना, तो वो एक्चुअली एक रिलीजियस प्लेस है, तो वहां पे लोग क्या है कि जूते वूते लगा के जा रहे हैं, तो वो एक चीज गलत है। एक और चीज है कि यहाँ पे ना आपको शाउट नहीं करना है, चिल्लाना नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना, ये योगिनी फॉल जो नाम पड़ा है वो यहाँ पे
जितनी भी देवियां थी उनको जोगनी कहते थे। तो यहाँ पे कहते हैं कि अगर आप ज्यादा चिल्लाओगे, कोई विसल बजाता है तो वो हमारे यहाँ पे कहते हैं कि जोगनी फंस जाती है, तो अगर जोगनी फंस गई तो उनके साथ बुरा बुरा होता है। फिलहाल हम निकल रहे हैं यहाँ पे, अश्विन ने बताया हमें कि एक सीक्रेट केव है, तो वो आज हम आपको बताएंगे। आए उस साइड से थे, हम जाएंगे इस साइड से क्योंकि केव भी इस साइड है और यहाँ से भी रास्ता नीचे जाता है और जाते समय यहीं से निकल जाएंगे। और ये वाला रास्ता उतना प्रॉपर नहीं है, झाड़ियाँ वगैरह ज्यादा है। बट एक चीज कहूंगा मैं कि अगर आप आते उस साइड से हो तो जाओ इसी साइड से, दोनों रास्तों की फील हो जाएगी और ये रास्ता ना काफी अलग सा है। तो हम जा रहे हैं फिलहाल केव की तरफ। कह रहे हो आन चुप जाए तो रोना निकल जाता है। अच्छा चुप गया। हम आन से बचने की कोशिश करते हैं और आप भी आए तो बचने की कोशिश करें पूरी। तो केव के लिए आप रास्ता देख सकते हैं भाई, क्योंकि ज्यादा लोग नहीं आते हैं तो झुक झुक के जाना पड़ेगा। चले आपने गलत घुस गए, राइट से जाना है। आन से बचना बड़ा जरूरी है। ओके ब्यूटीफुल, इसे कहते हैं एक्सप्लोर करना। तो सब लोग आते हैं वहाँ नीचे से चले जाते हैं, तो यहाँ से हम ऊपर चढ़ने वाले। ओके ओके कैमरा तो मिश्का ऊपर आ रही है। ऐसे चढ़ेंगे दोस्तों। आजा, कुछ इस तरह से केव का व्यू दिखता है। वहाँ नीचे से हम आए हैं, 5-10 मिनट बैठे, अच्छी वाइब थी। केव आप देख सकते हैं, आपको दिखा दी हमने। तो आप भी कभी जोगिनी वाटरफॉल आए तो यहाँ बैठ सकते हैं। और यहाँ किसी ने ये देखो बॉटल फेंक रखी है, तो उसको हम ले जाएंगे अपने साथ ही। यहाँ मिल चुके हैं मोहित भैया जो हैं दिल्ली से। Hey guys, कैसा फील कर रहे हैं आप मनाली? बहुत अच्छा, एकदम पूरा रिवाइव हो गया हूं मैं। निकले फिर यहाँ से, चलिए चलिए वो। और भाई यहाँ से जो व्यू आ रहा है ना, अगर कोई आता है तो उसको दोनों रास्ते कवर करने ही चाहिए भाई। दोनों रास्ते कवर करोगे तो ज्यादा मजा आएगा। तो आज का दिन कुछ अलग था, आज हमने जिप्सी नहीं दिखाई है, आज हमने एक्सप्लोर करा है। उम्मीद करते हैं मजा आपको आया होगा, कोशिश करते हैं भैया अपनी तरफ से पूरी, बाकी तो आप लोगों के ऊपर ही डिपेंड करता है। देख रहे हो ना आप, है ये भी रिस्की है, सीधा ही है बिल्कुल भैया, उतरना कैसे है। और रुकेंगे भी नहीं अगर हो गए कहीं, तो ऐसे ना सीधा जंप नहीं मारेंगे, ऐसे तिरछा तिरछा चलेंगे। ये देख सकते हैं आप, ओ भाई देख रहे हो नीचे खाई का मिश्का कहाँ से चढ़ रही है, ये रिस्की है काफ़ी ज़्यादा। मैं हमेशा से सोचता था ऐसे पहाड़ पर उतरने की, काफ़ी ज़्यादा मौसम मिल गया। आराम से थोड़ा आराम से, घास है ना स्लिप हो जाता है, बैठ के उतर जाता हूँ मैं। बैठ के उतरोगे ना तो ज़्यादा इजी रहेगा, एरिया ऑफ कंटेक्ट बढ़ जाता है ना। ओहो गिरानी देना, यहाँ से लिया जा रहा है फ्रेश वाटर, ये पीने का पानी है। मिश्का तो आज अलग ही एक्टिविटी कर रही है, देखो कीचड़ में ही बैठ गई है। फाइनली नीचे पहुँच ही गए, अभी ना आपको टेम्पल दिखा देते हैं। तो अभी हमें आशु भैया सारा बताएंगे कि हिस्ट्री क्या है। ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है और ये जोगनी माता यहाँ पे, ज़्यादातर यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारे यहाँ पे मुंडन कहते हैं, जब बच्चा होता है ना, बच्चे का मुंडन करना होता है तो यहीं पे आते हैं। वहाँ पे पूजा वगैरह होती है आपकी और अंदर वहाँ पे खाना जो आपको दिखाया था वहाँ पे खाना बनाते हैं, खाना देते तो प्लेट्स में देते हैं। यहाँ पे पत्थर बने हुए हैं, तो क्या करते हैं इन पत्थरों में खाना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको लाइन में दिख रहे होंगे उस साइड में, तो सब यहाँ बैठ के। अच्छा ये पूरा वही है। ओके, एक्चुअली जब खाना देना होता है तो वॉश करते अच्छे से धोते हैं, ठीक है, उसके बाद इसमें खाना। सबसे पुराना यहाँ पे। ओके, और यहाँ की वाइब काफी ज्यादा अच्छी है, यहाँ से व्यू देखो भी। जोगनी फॉल आते हो ना यहाँ बैठ के जरूर चाय पीना। हाँ ये भैया यहाँ पे शिवा शांति, आराम से। कितने आराम से लिया उसने, आपको। और ये जो दिख रहा है बंदा, ये बंदा हमारे साथ ही है, वो ये अश्विनी भी यही है। तो यहाँ आप आ सकते हैं, ये एक्सपीरियंस ले सकते हैं। हाँ जी, एंजॉय करते हुए जाना, ठीक है। हाँ एंजॉय तो पूरा करेंगे, बस थोड़ा सा वो धक धक हो रहा है अपने को। ओके ये यहाँ पे आपने देख लिया। ओके आप बैठ जाओ, राइट हाथ अपने यहाँ रखना है, वायर को बिल्कुल टच नहीं करना, ठीक है। ये हाथ यहाँ पे और सर पीछे और बैठ जाओ आप, ठीक है, बस ऐसे ही। अच्छा लास्ट में जो वहाँ पहुंचोगे ना, पांव ऊपर कर देना आप। चले फिर जाने, सर पीछे को करना है अपने, इससे जाना है, वायर मत पकड़ना, टांग ऊपर करो। ओके टांग ऊपर, वहाँ जाके टांग ऊपर कर देना, ठीक है, वहाँ जाके टांग ऊपर कर देना। भाई साहब बता नहीं सकता मैं यार, बड़ा डर लगता है। लाइफ में एक और एक्सपीरियंस हमने काउंट कर लिया है भाई, जिप लाइन कर ली है। अब इतनी ठंड में नहाया कैसे आपने? जैसे नहाते हैं। जैसे नहाते हैं? स्कूल जाते हो? नहीं। कोविड क्या होता है?
स्कूल क्या होता है यार, ये छोटू बहुत तेज है, किक ले रहा है ये पूरी। मेरे हाथ में एक साइड कैमरा था ना, तो मुझे ये था कि जा तो कैमरा गिर जाए, जा मैं अच्छे से पकड़ लूँ, बट जो भी था अच्छा था। जाते समय मैंने आपको बताया था ना कि जो अश्विन भैया का पुराना घर है वहाँ हमें जाना है, फिर उसके बाद आपको टेम्पल भी दिखाएंगे। मेमोरीज देख रहा हूँ मैं, बचपन में क्रिकेट खेला करते थे, स्पेशल आते थे हम घर से, पता है कि 5 बज गए चलो क्रिकेट खेलने। तो ये हम पहुँच चुके हैं, ये चीज़ भी आपको ना कहीं नहीं देखने को मिलने वाली, मनाली का पुराना घर है, और ये रूम है जहाँ पे इनका बर्थ हुआ है। रात को हॉस्पिटल ले जा नहीं सकते, दादी आई थी। तो ये है कि मतलब उस टाइम के हिसाब से ये ऊपर जो आपको दिख रही है ये लाइब्रेरी है, ठीक है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग पत्थर क्रेविंग की हुई है, एक्चुअली हमारे पास एक फॉरेनर था ना, ठीक है, उसने पूरी क्रेविंग की हुई है। ओके, ये पता नहीं वीडियो में दिख रहा है कि नहीं, मैंने दिख रहा है, दिख रहा है छाया में, तो ये आप देख सकते हैं 1999 में किए शायद से। अच्छा, उस टाइम से अभी तक ऐसी और कितनी परफेक्ट है। परफेक्ट है। एक्चुअली ऐसा है कि अंदर ना सब लोग जो रह रहे हैं वो सो रहे हैं, तो फिर किसी को डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं रहता, नहीं तो मैं आपको ना अंदर से भी सारा दिखाता। अभी बस यहाँ से निकल रहे हैं अभी। डेजी ऑल द ना, मैं वशिष्ठ टेम्पल आ चुका हूँ मम्मी के साथ ना, वो हस्कीज़ क्योंकि फिर वो भी अंदर आ जाते हैं फिर दिक्कत होती है, तो उन्हें मैंने कहा कि आप घर चले जाओ पूरा एक्सप्लोर करके, थोड़ी देर में आ जाऊँगा वापस। पानी गर्म है काफ़ी ज़्यादा, तो ऐसा रहता है कि पहले आपको ना यहाँ पे नहा लेना है, फिर उसके बाद पूल में एंटर करना है। सीधे आपको पूल में एंटर नहीं करना है, वो अच्छा नहीं रहता। तो ये पूल है, अगर अश्विन के साथ आता तो मैं भी नहाता, बट अभी मैं अकेला हूँ तो मैं नहाऊँगा नहीं। अभी मंदिर जाते हैं और मंदिर दिखाता हूँ मैं आपको। तो डिज़ाइन सारा लकड़ी का ही बना हुआ है, और वो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, अभी ज़्यादा मुझे पता नहीं है तो मैं ऐसे बोल भी नहीं सकता। और ये यहाँ पे बैठने की जगह है, वहाँ पे राम मंदिर है ऊपर वाली साइड, तो वहाँ जाएंगे। अंदर ना बोर्ड लगा हुआ था कि मंदिर के अंदर फोटो खींचना मना है, इसलिए मैंने अंदर का रिकॉर्ड नहीं करा। तो ये पुराना मंदिर है, और ये चीज़ शायद बाद में बनाई गई होगी, हर एक चीज़ पत्थरों पर ही, और पूरा पत्थर से बना हुआ है। तो भाई मैंने उनको कहा था कि आप चले जाना, लेकिन वो तो यहीं पे वेट कर, आप इधर ही वेट कर रहे थे, वेट कर रहे हो। चलो सर, आज की वीडियो में ना आपको जिप्सी हमने एक बार भी नहीं दिखाई, आज सुबह से यही घड़ी है बेचारी। चलो लेट्स गो। मिश्का का तो घर जाने का मन नहीं है, मुझे नहीं लगता। मिश्कू वो एक्चुअली पता है कि उसको ना आगे वाली सीट में आते, पीछे भी रखता हूं ना, आगे जंप मारती हूं, बुरी तरपाल खोलो। अच्छा, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो मेरे लिए तो दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, मुझे नहीं पता कि मैं आप लोगों को उस तरह से एंटरटेन कर पाया हूं कि नहीं कर पाया हूं। तो आज की वीडियो के लिए अगर नहीं अच्छी लगेगी तो मैनेज कर लीजिएगा, अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे कल नई वीडियो के साथ, किसी नए एडवेंचर के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग। हाथ बन नाक बन खोटा खोटा बात बन, बनना है तो बाप बन, छोटे थोड़ा शाप बन, चार जन जब करेंगे तेरी बुराई तब समझ जा।